नमस्कार मित्र, आदित्य आर्ट्स क्लास में अहाँ सबके स्वागत कर रहा छी। आज हम अहाँ सबके लिए क्लास 10th मैथिली के जो वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जे अछि ओय के आंसर की लक अइलो न, यानी कि अहाँ सब ई वीडियो के शुरू से अंत तक देखबे त अहाँके 30 नंबर के तैयारी आंख मुन के भ जत। अइ के लक अहाँ सब ई वीडियो के शुरू से अंत तक जरूर देख लियो, ठीक छै। यानी कि मैथिली के जे 30 क्वेश्चन एमे से मिलत, यानी क्वेश्चन 30 को नै छै, 30 क्वेश्चन एक्स्ट्रा, यानी 100 के आसपास छै क्वेश्चन, मुदा अहाँ अइ वीडियो के पूरा देखबे 30 क्वेश्चन कोई नै रोकत, ठीक छै। अइ के लेल अहाँ सब अइ वीडियो के शुरू से अंत तक जरूर देख लियो, अहाँ सबके 30 क्वेश्चन रखल अइ छै। और एक जे महत्वपूर्ण पहिल क्वेश्चन अछि अहाँके, क्वेश्चन वीडियो लम्बा नहि हुए अइ के लेल अहाँ सबके हम फटाफट आंसर बतायब, ठीक छै। यात्रिक रचना अइ छै तऽ पहिल भऽ जायत एक के उत्तर, ठीक छै। क्वेश्चन दू अइ छै, पर्यावरण शीर्षक लेखक छै तऽ दू के उत्तर भेटत अहाँके दिनेश्वर लाल, की बुझतै, दिनेश्वर लाल। क्वेश्चन तीन अछि, अशोकक रचना अइ छै तऽ अशोक रचना के छै बाबा आत्मीयता, ठीक छै, तीन के भेटत अहाँके बी भऽ जायत। क्वेश्चन चारि अछि, रौदी अछि शीर्षक कविता रचिता छै तऽ चारि के अहाँके भेटत उत्तर सी, यानी कि बुद्धनाथ मिश्र। क्वेश्चन पाँच अछि, गंगा सँ हिमालय चकराय अछि तऽ पाँच के उत्तर भेटत यानी कि 64 कोश, पाँच के भेटत अहाँके डी 64 कोश। क्वेश्चन नंबर छः अछि, शांति निकेतन स्थापना केनिहार छथि तऽ शांति निकेतन के स्थापना के केलकै रहै तऽ छः के उत्तर भेटत यानी कि अहाँके ध्यान देबै, शांति निकेतन के स्थापना जे छै केलकै रहै विश्वकवि रविन्द्रनाथ ठाकुर के, ए विश्वकवि रविन्द्रनाथ ठाकुर। क्वेश्चन नंबर सात अछि, विद्यापति ख्याति पौलिन, तऽ विद्यापति ख्याति पौलिन तऽ ध्यान देबै अइके यानी कि मैथिली भाषाके रचनाके सब की, तऽ सात के भेटतै अहाँके बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर चलू पाँच आठ के ओर, बही गेल कमला लगान हे पाँती अछि, बही गेल कमला लगान हे पाँती अछि तऽ आठ के द राइट आंसर अहाँके सी भऽ जेतै, भावी भरदुतिया विधान के शीर्षकसँ, तऽ आठ की भेटतै अहाँके सी भऽ जेतै। क्वेश्चन नंबर नौ अछि, फूलक सन्दर्भमे डॉक्टर कहब छलिन अधिकसँ अधिक मास ठीक ई रिक्त स्थानमे, यानी जे छै खाली स्थानमे की हेतै एहिमेसँ बतैयो, एक दू तीन चारि, तऽ नौ के उत्तर भेटत अहाँके तीन, की भेटतै जगह तीन भऽ जेतै, ठीक छै, तऽ सी द राइट आंसर। क्वेश्चन चलू दस के, क्वेश्चन दस अछि, भारतके सर्वोच्च नागरिक सम्मान अछि, भारतके सर्वोच्च नागरिक सम्मान की अछि तऽ भारत रत्न जे छै ने सबसँ सर्वोच्च नागरिक सम्मान अछि। क्वेश्चन एगारह अछि, बुढ़ापा सब संज्ञाक भेदक अन्तर्गत अबैत अछि तऽ बुढ़ापा जे छै ने अहाँके भाववाचक, यानी कि एगारह के भेटत अहाँके सी, यानी कि भाववाचक संज्ञा। क्वेश्चन नंबर बारह अछि, प फ ब वर्णक उच्चारण स्थान अछि तऽ बारह के द राइट आंसर अहाँके भऽ जायत यानी कि ओष्ठ, बोलि कऽ देखियौ ने प फ ब ओष्ठ सब बोलै छी ने, तऽ बारह के द राइट आंसर भऽ जायत अहाँके ए। क्वेश्चन नंबर तेरह अछि, त्र वर्ण जे छै अहाँके त्र जे छै बोलै छियै तऽ एहिमे कोनो आओर अक्षर आबै छै ने, त्र यानी कि संयुक्त वर्ण छियै, यानी कि त्र संयुक्त वर्ण। क्वेश्चन नंबर चौदह अछि, बता आ जानबी, चौदह क्वेश्चन मिलै छै, बता आ बूढ़ीके शब्द भेदक अन्तर्गत आबै छै, बता आ बूढ़ीके शब्दक अन्तर्गत बता आ बुर्बक, बता आ बुर्बक शब्दके भेदक अन्तर्गत आबै छै, तऽ चौदहके अहाँके राइट आंसर भऽ जायत यानी कि सी देशज, कहै छै बता छै छोड़ा। क्वेश्चन नंबर पंद्रह अछि, देशिल वैना सब जन्म मिठा कहने छै तऽ पंद्रह के द राइट आंसर भऽ जेतै सी विद्यापति जी। नंबर सोलह अछि, लखन जी के रचना आई छै तऽ लखन जी के रचना भऽ जेतै अहाँके डी, मतलब मिथिला ए यूनियन रिपब्लिक, मिथिला इन इंडिया, मिथिला बिल राइज, यानी कि द राइट आंसर डी भऽ जेतै। क्वेश्चन नंबर सत्रह अछि, कल्पनाके स्वर्गमे बुलत लोक पाँती अछि, सत्रह के द राइट आंसर भऽ जेतै यानी कि बी। क्वेश्चन नंबर अठारह अछि, एखन आ जहिया शब्दक भेद के अंतर्गत आबैत अछि, एखन आ जहिया शब्द के भेद के अंतर्गत अछि, एखन अठारह के द राइट आंसर सी भऽ जेतै यानी कि अवयव, अठारह की भेटत अहाँके अवयव। क्वेश्चन नंबर उन्नैस अछि, स्वाह करब के अर्थ होइत अछि तऽ उन्नैस के द राइट आंसर अहाँके भऽ जेतै बी, नष्ट करबै, स्वाहा कऽ देबै, नष्ट कऽ देबै। क्वेश्चन नंबर बीस अछि अहाँ सबके, पीताम्बर शब्द ठीक तऽ पीताम्बर यौगिक छियै, कथी छियै यौगिक, एहिके लऽ कऽ अहाँ बीस के द राइट आंसर बी भऽ जेतै। क्वेश्चन नंबर इक्कीस अछि, निरोग शब्दके संधि विच्छेदके उदाहरण ठीक तऽ यानी कि इक्कीस के छै ने क्वेश्चन, निरोगके तऽ निरोग जे छै कने विसर्ग संधिके अंतर्गत आबैत अछि। क्वेश्चन नंबर बाइस अछि, गणेशके पर्यायवाची शब्द अछि तऽ गणेशके पर्यायवाची शब्द की छियै, यानी कि गजानन्दो छियै, मुसीवाहको छियै, गणपतियो छियै, एहि लऽ कऽ बाइसके द राइट आंसर अहाँके डी भऽ जेतै। क्वेश्चन नंबर तेइस अछि, ओ अपने ही काज कैलिनमे अपने ही उदाहरण ठीक तऽ तेइसके द राइट आंसर यानी कि निजवाचक, अपने ने काम कयलै तऽ निजे ने हेतै, अपन काम कयलै। क्वेश्चन नंबर चौबीस अछि, वामा हाथक खेल
के अर्थ होइ छै हम ई त हमर बम्मा हाथ के खेल छिए त की हेतै के त सुलभ काज सुलभ काज के छै त हमर बम्मा हाथ के खेल छै कोन हम क दबो कन अंग्रेज भारत त छोड़ी नारा देल रहल अछि यानी कि अंग्रेज भारत छोड़ी नारा देल गेल रहै त ध्यान देबै 25 के द राइट आंसर अहाँके की बजतै सी यानी कि भारत नहीं जरा हिंदी में कहे भारत छोड़ो आंदोलन कहिया देल गेल महात्मा गांधी के द्वारा देल गेल छल नारा ई 1942 में अंग्रेज भारत छोड़ो यानी कि भारत छोड़ अंग्रेज तू सब चटमंगनी पट बियाह के अर्थ होइ छै त 26 के की बजतै चटमंगनी पट बियाह काज जल्दी होइ क्वेश्चन नंबर 27 अछि 5 किलो चीनी दियो में 5 किलो विशेषण ठीक त 5 किलो चीनी के बाद छैकन त देखियौ त आगे अगर कहिए त परिणाम वाचक हेतै कन किलो विलो जे परिणाम वाचक 27 के अहाँ के दी 28 अछि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस प्रथम अध्यक्ष छला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष किस लगे रहे कन WC बनर्जी रहे के WC बनर्जी 29 अछि मांगन खवास मृत्यु सपूर्व रहथिन त 29 के द राइट आंसर होते श्याम नंदन सिंहक दरबार त 29 के द राइट आंसर सी भयत क्वेश्चन नंबर 30 अछि गोदावरी दत्त के चेतना समिति सम्मानित कैलन त 30 के द राइट आंसर अहाँ के डी हेतै यानी कि कांस्य पदक यानी कि तीनों बुझियो ना डी के द मार दियो फटाफट डी 30 के रहने दी क्वेश्चन 31 अछि दर्शन हाँ दर्शन शास्त्र जनिहारक कहैत अछि जे दर्शन शास्त्र जानै छै ओ की कहै छै तऽ दार्शनिक कहै छै कि दार्शनिक क्वेश्चन 32 अछि हिमालय सँ गंगा निकलै छथि हिमालय में ककरा यानी कि हिमालय सँ गंगा निकलै छथि हिमालय सँ में कारक अछि तऽ 32 के द राइट आंसर यानी कि डी भेतै आपादान कारक आपादान कारक क्वेश्चन नंबर 33 यानी 33 कालक भेद होइ अछि तऽ कालक भेद जे छै ने अहाँके तीन गो छै कते तीन गो 33 की भेतै अहाँके बी द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 34 अछि यश शब्दक बनल विशेषण अछि तऽ 34 के द राइट आंसर भेतै यानी कि उपयुक्त तीनों क्वेश्चन नंबर 35 अछि बायां नजदीक प्राकट्य भेल अछि तऽ 35 के द राइट आंसर यानी कि अहाँके 35 भऽ जेतै बी बुद्धिक महिमा सँ क्वेश्चन नंबर 36 अछि कमल नयन जकरा विष्णु भगवान कहै छै कमल नयन शब्द समासक भेद के अंतर्गत आबैत अछि यानी कमल के समान नयन है जिनका अर्थात भगवान विष्णु तो 36 के अहाँके जे उत्तर भऽ जेतै सी बहुव्रीहि समास चाहे दशानन हुए चाहे कमल नयन हुए कि सब की छै अहाँके बहुव्रीहि समास क्वेश्चन नंबर 37 अछि जखन विग्रह करबै तऽ तेसर रूप जखनी आबै छै ने जब की छै बहुव्रीहि समास क्वेश्चन नंबर 37 अछि महात्मा गांधी के मातृभाषा छलनि तऽ महात्मा गांधी जी के मातृभाषा कथी छल तऽ महात्मा गांधी छलखिन रहै गुजरात के तऽ हुनकर मातृभाषा की भऽ जेतै गुजराती भऽ जेतै क्वेश्चन नंबर 38 अछि मधुवता रीतायत खाली स्थान के उल्लेख अछि तऽ 38 के द राइट आंसर यानी ए भऽ जेतै वेद मे 38 भऽ जेतै ए 39 अछि निर्धन जन बोली सबे उपहार सँ पाँती अछि तऽ 39 के द राइट आंसर यानी कि भऽ जेतै अहाँके 39 के ए भऽ जेतै जतेक ए समय साल शीर्षक ठीक छै क्वेश्चन 40 के अछि क्वेश्चन 40 अछि एक वृक्ष लगा देलासँ पुत्र होयबाक पुण्य मानल गेल अछि तऽ एक वृक्ष लगा देलासँ 10 पुत्र के पुण्य मानल जाइत अछि एक लग 40 के भऽ जेतै ए भऽ जेतै ठीक छै क्वेश्चन 41 अछि मांगन खवास लोकप्रिय भला तऽ 41 के भऽ जेतै अहाँके उत्तर संगीत मे क्वेश्चन 42 अछि विद्यापति लिखने छथि गीत तऽ 42 के द राइट आंसर डी भऽ जेतै यानी कि अहाँके तीनों भऽ जेतै कि राधा कृष्ण प्रेम गीत गौरी महादेवक गीत व्यवहार गीत यानी कि तीनों द राइट आंसर यानी कि 42 के द राइट आंसर डी भऽ जेतै क्वेश्चन नंबर 43 अछि डॉक्टर शुभदर झा जीविका आरम्भ कैलिन तऽ 43 के द राइट आंसर हेतै विश्वविद्यालय सँ क्वेश्चन नंबर 44 अछि लखन जी दरभंगा संसदीय क्षेत्र से चुनाव उम्मीदवार भेला तो 44 के द राइट आंसर भेल अहाँके ई कौन पार्टी से सोशलिस्ट पार्टी से तो 44 के भेल अहाँके उत्तर ए भेल क्वेश्चन नंबर 45 के क्वेश्चन 45 अछि रामानाथ झा विद्वान छला तो अहाँके अंग्रेजी के संस्कृति के मैथिली के यानी कि संस्कृत के तीनों के तो भेल 45 के द राइट आंसर डी भेल क्वेश्चन नंबर 46 अछि उमाकांत लिखने छथि तो उमाकांत कथी लिखने छथि कथा कि नाटक निबंध तऽ जे छै ने अहाँ जे तीन लिखने छै गेलकै अहाँके भऽ जेतै 47 46 के डी द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 47 अछि भटवर
तिलकोर कथा ले तरलिए उक्ति अछि। तो 47 के अंक भ जेतै ए बहिनक। क्वेश्चन नंबर 48 अछि छात्र सब बैसल लेल घर से आनैत अछि। तो 48 के द राइट आंसर भ जेतै यानी कि बी चट्टी। क्वेश्चन 49 अछि रविंद्रनाथ ठाकुर रचना अछि। तो 49 के भ जेतै अहाँके ए जय जवान जय किसान। 49 के भ जेतै अहाँके ए। 50 नंबर क्वेश्चन अछि डॉक्टर जयकांत मिश्रक नियुक्ति कयल गेल अछि। तो अहाँके आयुर्वेदिक व्याख्याता पद पर आयुर्वेदिक यानी 50 के दौरान बी भाषा। क्वेश्चन नंबर 51 अछि जाहि भूमिक शैव कवि सँ गेल रामायण चलि रहल पाँति अछि। तऽ 51 के द राइट आंसर बी भऽ जायत यानी कि विद्यानाथ झा विदित कविताक। 51 की भऽ जायत अहाँके बी। क्वेश्चन 52 अछि विद्यानाथ झा विदित लिखै छै। तऽ 52 के द राइट आंसर यानी कि कवितो कथा उपन्यास यानी कि तीनों भऽ जेतै। क्वेश्चन नंबर 53 अछि धर्मात्मा शब्द के संधि विच्छेद होइत अछि। धर्मात्मा शब्द के संधि विच्छेद की हेतै तऽ धर्म प्लस आत्मा ए द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 54 अछि विद्यापति राज पंडित बनल रहा ककरा दरबार में। तो 54 के द राइट आंसर भऽ जेतै अहाँके बी शिव सिंह के दरबार में। क्वेश्चन नंबर 55 अछि मर्त्य लोक सँ देव लोक धरि नेता यानी कि मृत्यु जाना मृत्यु लोक। तो मर्त्य लोक सँ देव लोक धरि नेता वे कहै छै पाँती अछि। तो 55 के द राइट आंसर अहाँके सी भऽ जेतै यानी कि कर्मवीर शीर्षक सँ। 56 अछि जय जवान जय किसान लेल देल गेल अछि। जय जवान जय किसान किसान लेल गेल अछि। तऽ 56 के द राइट आंसर भऽ जेतै यानी कि अहाँके रविंद्र यानी कि बी भऽ जेतै अहाँके रविंद्र पद्मावलीसँ। क्वेश्चन 57 अछि उदय चंद्र झा विनोद मूलतः आ मुख्यतः अछि पाँती अछि। तऽ 57 के द राइट आंसर कवि अछि कथी कथी छथिन मुख्यतः ई कवि छथि। क्वेश्चन 58 अछि दानी प्रत्यय लगै अछि बनल अछि। तऽ 58 के द राइट आंसर अहाँके डी भऽ जेतै यानी कि उपयुक्त तीनों की भऽ जेतै तीनों भऽ जेतै मारू डी फटाफट आंसर। क्वेश्चन नंबर 59 अछि चलऽ नहि आबै तऽ अंगने टेढ़ के अर्थ होइ छै ना चलऽ नहि आबै छै तऽ अंगने टेढ़। तऽ 59 के अहाँके भऽ जेतै की हेतै 59 के की होबाक चाही कतेक आसान छै अहाँ सब बता सकै छी ने अपन दोस्त रहै तो उनका दोस्त कहब यानी कि अपन दोस्त रहै अपना दोस्त रहै छै दोसरोके दोस्त दै छै। क्वेश्चन नंबर 60 अछि सागर शब्दक स्त्रीलिंग रूप अछि। सागर शब्दके स्त्रीलिंग रूप कथी हेतै तऽ सागरके छगरी छागरी पाठी की हेतै। तऽ 60 के अहाँके उत्तर हेतै यानी कि सी पाठी सागर के पाठी ठीक छै स्त्रीलिंग रूप प्रकाश अहाँ।